के सीधी जिले में जहां निर्वाचन होने जा रहा है, जहां आपको बता दूं कि कल यानी कि 17 तारीख को निर्वाचन होगा, मतदान सुबह लगभग 6 बजे से कहीं ना कहीं शुरू होने वाला है, जहां लगातार ये चीज़ें देखने को मिल पा रही हैं कि आज रात आखिरी है जहां पर लोग जा करके अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन यहीं रात को घर में नहीं बल्कि लोग जो है आज रात भर भटक रहे इस बारे इस चर्चा को लेकर के मुझे जो है कहीं ना कहीं वोट चाहिए। प्रचार प्रसार को लेकर के ये देखा जा रहा है कि लोग अपने जो प्रत्याशी जो कि खुद भ्रमण कर रहे थे, वहीं ये देखा गया कि विधानसभा 77 के भाजपा और जो है कांग्रेस के प्रत्याशी में झड़प देखी जा रही। हालांकि इस पूरे मामले पर मैं आपको बता दूं कि प्रत्याशी भाजपा के नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि खुद जो है प्रचार प्रसार में निकले हुए थे, वहीं हाल ही में ये चीज़ें देखने को मिली कि प्रत्याशी के साथ मारपीट हुई, जहां पर मारपीट की वारदात को ये बताया जा रहा है कि यहां पर भाजपा के कुछ कार्यकर्ता जो कि हम ग्राउंड पर आकर जहां मैं अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा था, मेरा पीछा करते हुए मेरे साथ मारपीट किए। इस पूरे मामले को लेकर के इस वक्त जो है कोतवाली में मैं जहां स्पष्ट आप देख पा रहे होंगे कि कोतवाली में जहां पर मैं खड़ा हूं, यहीं पर इस टाइम पर प्रत्याशी भी मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी ज्ञान सिंह विधानसभा 77 के प्रत्याशी मौजूद हैं। उनके द्वारा ये चीज़ें स्पष्ट कराई जा रही कि यहाँ पर मारपीट हुई है और हमारे गाड़ी का जो है कांच फोड़ा गया, यहाँ तक कि गाड़ी भी बता रहे हैं कि आगे और पीछे का दोनों कांच फूटा गया। यहाँ तक कि फोड़ने के बाद उनका जो है अगला जो है कहीं ना कहीं हमारा टारगेट था कि हमें भी वो मारपीट हमारे साथ भी कर सकते हैं। इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो उनके द्वारा स्पष्ट ये बताया जा रहा है। देखिए पहले उनका बयान। तू पंच बना वाला वीडियो ना लगाई ले दादा आगे आगे तू उतक पंच उतक जा बताओ उतक बताओ उतक बताओ आ जा दी फोर्स आ जा फोर्स आ जा बताओ 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 भाई मारे से हां जल्दी जल्दी जा बताओ बताओ क्या बताइए चलेगा ना उसको वो पुलिस भाग गई ना ये दादा एक बार दो नंबर में लगाइए फंस गई है ये पुलिस जो है तो भाग गई आपकी यहाँ नहीं उतर रही। हम लोग को तो मार डालेंगे ये हम लोग बैठे हैं यहाँ पे कैसा यार पुलिस भाग कहे गए क्या करा रहे गाड़ी पूरी फुटवा दी है गुंडों से हमला करवा के हम लोग की गाड़ी तोड़ दी है गाड़ी फुटवा है ना वीडियो बना हम निकले नहीं इधर से ऐसे बैठा है ना धरना दे रहे हैं धरना दे रहे हैं ना गेट में खड़ी है गाड़ी वीडियो बनाए हो सब बनाए एक नंबर का अपराधी है भैया पथरा काहे लगा वाला है वो अरे अपना आयन नहीं भाई रखी एक मिनट बस अपना गाड़ी लेके अंदर से आई ना ये हाँ
उद्योग विभाग की गाड़ी अपना लगाई उठे जल्दी से, हम गाड़ी बह के वहाँ बैठी जल्दी ले। ये तो कहीं ना टी आई वाई का कर रहा है यार। हेलो गाड़ी उद्योग विभाग सामने वाली गाड़ी में हैं भाई। बर्मा जी को रहा बर्मा जी कहाँ है वो गाड़ी में आ गया। सर देख लीजिए, सर ये देखिए, ये देखिए गुंडागर्दी। मैं दो मिनट में आग लगवा दूंगा उसके घर में। ये देखिए 50 लोग आए हैं सर। पंद्रह वर्ष की लाइसेंस की बात करिए। नहीं सर ये क्या हाल है, मना कर दिया था। नहीं मत आइए आप, ये देखिए कितना डिस्टेंस है। हम इधर आ रहे थे निकल रहे हैं, गाड़ी ऊपर जा ही नहीं रही, वो नाली में चली गई गाड़ी। कहाँ से निकलवा रीति पाठक करवा देते हम भी गाड़ी। हम लोग निकल रहे थे रीति पाठक ने बुलाई तो प्रेस किया ब्लैक कर दादी लगा दो। ये बात करो सर, ये क्या हो रहा है? ऐसे बात करो सर, पहले बात करो सर। ये सही वाली चीज नहीं। मैं यहाँ अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए आया हूँ और यहाँ आलम ये है कोई भी रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं है। मैं 4 बजे से पुलिस प्रशासन को सूचना दे रहा हूँ कि मेरे आदमी लगातार फोन कर रहे हैं क्षेत्र से, इनके लोग दारू बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था और ना कोई सुनने के लिए तैयार था। मैंने इसकी शिकायत ऑब्जर्वर से की, 4 से 8 बजे के बीच में मैंने ऑब्जर्वर से शिकायत की, यहाँ भी शिकायत की, जिसकी लिखित में कॉपी हमारे पास है। लेकिन 8 बजे जब मुझे सूचना मिली कि सांसद बगले के सामने कुछ बहुत सारे लोग भीड़ लगा के अंदर जाके पैसा लेके आ रहे हैं, मैंने SP साहब से बात की, मैंने कोतवाली में TI साहब से बात की, उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करता हूँ। लेकिन आपको ताजुब होगा कि पूरा आधा पौन घंटा बीत गया फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे लोगों का फ़ोन आया तो मैंने फिर से फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं करवाता हूँ, उसके बावजूद भी 10 मिनट तक कोई वहाँ नहीं पहुँचा। मुझे मेरे कार्यकर्ताओं ने सूचना दी तो मैं एक हमारे जो साथी थे उनकी गाड़ी खड़ी थी, मैं उनके गाड़ी में बैठ के वहाँ पहुँचा और उनके बगले के सामने जब मैं पहुँचा तो काफ़ी भीड़ लगी थी। तो मैंने जो उद्योग विभाग के लिए रास्ता जाती है तो उधर गाड़ी घुमा के लगभग उनके बगले के 150-200 मीटर दूर गाड़ी खड़ी करके और वहाँ पे जब तक मैं गाड़ी पार करता हूँ तो पुलिस वहाँ पर उपस्थित हो जाती है। मैं उनसे बात करता हूँ कि भाई ये क्या चल रहा है, ये इसी तरह चुनाव होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कार्रवाई करूँगा, अभी कोई दिख नहीं रहा है। बल्कि छोटा सा वीडियो जो इनके एक सरकारी लड़का था जो शासकीय काम में लगातार लगा है चुनाव में, उसके पास भीड़ भाड़ का वीडियो भी है, यदि वो डिलीट ना करवा देंगे तो। क्योंकि ये लोग पूरी तरह से जितने भी अधिकारी हैं सब इनका भाजपा का साथ दे रहे हैं और लगातार इनका सहयोग कर रहे हैं। जब इतना बात करते हुए मैं वहाँ TI को फ़ोन किया, TI साहब भी फिर वहाँ 5 मिनट बाद पहुँच गए और मैंने उनसे बात किया कि बताइए इस तरह की बातें हो रही हैं, मैं 4-4, 5-5 बार फ़ोन कर चुका हूँ, लिखित में शिकायत दिया हूँ, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उन्होंने हमें धारा 144 का हवाला देके डराने का काम किया।
तो मैंने कहा कि यदि आप धारा 144 की बात कर रहे हैं तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे गोली मार दीजिए, मुझे जेल में बंद कर दीजिए, लेकिन इस तरह चुनाव नहीं होगा जिस तरह से आप लोग ज़बरदस्ती चाह रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से आप जो है तो यहाँ से चले जाइए और मैं कार्रवाई करता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप कार्रवाई तो नहीं करेंगे चूँकि अब कोई बचे नहीं है, लेकिन मेरी एक गुजारिश ये है कि आप कम से कम 2-3 पुलिस वालों को यहाँ छोड़ दीजिए जिससे आगे कोई घटना ना हो। इस तरह गाड़ी होती है पर हमला अभी, अभी क्या आपके है? साथ कोई मारपीट का मैं पूरी घटना बता रहा हूँ, पूरी घटना बता रहा हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने कहा ठीक है 2-3 लोगों को छोड़ के हम आगे निकल गए, बोले कि ठीक है आप जाइए। जैसे मैं आगे चला तो एक मेरे कार्यकर्ता का फिर फोन आ गया कि जो रौदा के पास जो है तो दारू बट रही है, तो TI बगल में ही खड़े थे, मैं तो निकलने वाला था, तो मैंने कहा कि देखिए आपके साथ फ़ोन आ रहा है, तो बोले कि चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ और आप लोकेशन बताइए मैं वहाँ कार्रवाई करता हूँ। मैं अपनी गाड़ी में बैठा और वो अपनी गाड़ी में बैठे। जैसे मैं रघु फिलिंग के आगे कमरजी हाउस पहुँचता हूँ वहाँ फ़ोन आया कि वहाँ से सामान हट गया है। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और उनको TI साहब को बताया कि वहाँ से सामान हट गया है, अब जाने से कोई मतलब नहीं है और आइए चाय पीते हैं। कमरजी हाउस में बैठ के उन्होंने हमारे साथ 10 मिनट चाय पी, इसके बाद वो निकल आए। हम वहाँ आधे घंटे बैठे थे, आधे घंटे बाद जब मैं वहाँ से चलता हूँ और जैसे मेन रोड पे मैं आता हूँ तो मेन रोड के जैसे मैं सीधी की तरफ टर्न करता हूँ मार्केट की तरफ, पीछे से एक गाड़ी मुझे फॉलो कर रही करने लगी। मुझे लगा कि ये गाड़ी लगातार मुझे पीछा कर रही है, तो मैं पुराना उद्योग विभाग के बगल से सोचा कि जाके कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दूँ। जैसे मैं पुराना उद्योग विभाग से घुसा और इनके तरफ घुमाया गाड़ी, जबकि वहाँ से लगभग 300 मीटर दूर है, पीछे से कोई लोकेशन बराबर दे रहा था। जैसे ही गाड़ी हमारी वहाँ पहुँची कॉर्नर पे, ब्रेक मारते मारते हमने देखा कि वहाँ से 100 लोग, रजनीश पाठक, वो नौड़िया वाला पुष्पराज सिंह और 2 लड़के और हैं उनका नाम अभी हमने लिखाया है, एक शुभम जायसवाल है और 1-2 लड़के और हैं उनका नाम मैंने नोट करा दिया है, ये इनके सैकड़ों साथियों सहित डंडे लेके दौड़ रहे थे उधर से। तो मुझे तुरंत समझ में आया कि पीछे वाली गाड़ी इनको लोकेट कर रही है। जब मैंने उनको बोला जो गाड़ी चला रहे थे कि आप बैक करो, जैसे वो बैक करने लगे ये उधर से दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते जब ये आए तो वो चलाने वाला भी डर गया और गाड़ी पीछे नाली में घुस गई बैक करते समय। उसी टाइम पे इन्होंने हमला गाड़ी पे किया, हमारे ऊपर हमला किया और जानलेवा हमला किया। वो तो गनीमत ये थी कि पुलिस, हमने तुरंत फ़ोन किया, बगल में कोतवाली है तो तुरंत पुलिस पहुंच गई। जैसे पुलिस पहुंची सायरन बजाते तो ये जो है तो वहां से भाग लिए। इसके बाद मैं यहां पे कोतवाली आया और कोतवाली आके आप देख रहे हैं कि मैं रिपोर्ट दर्ज करा रहा हूं, कोई रिपोर्ट दर्ज करने वाला नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीति पाठक जो प्रत्याशी हैं, चुनाव के हार से डर के कभी वो हथकंडा अपनाई घड़ी कंबल बांटने का, कभी वो हथकंडा अपना रही हैं जातिवाद और जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके। आपने देखा कि एक SC व्यक्ति के साथ किस तरह से उन्होंने बयान करवाया, फिर वो बयान अपने आप बदला, मतलब वो कई तरह के हथकंडे अपनाई। आज वो प्री प्लान तरीके से आज उन्होंने जिस तरह का ये कृत्य किया है, आज उनको पता है कि हम चुनाव हार रहे हैं। हार के बौखलाहट से जिस तरह से उन्होंने हमला करवाया है, सीधी जिले की विधानसभा, सीधी विधानसभा के समस्त जनता से मैं अपील करता हूं कि इनके कृत्य का बदला आप आज जो 17 तारीख को वोटिंग होगी आप इनको उसमें ज़रूर बताइएगा कि इस तरह का आतंक, ये दूसरे को गुंडा बोलती हैं, ये दूसरे को बोलती हैं कि ये ठाकुर इस तरह हैं। आज इनके लोग जिस तरह से हमला किए, आज मेरी जान चली जाती, मेरे साथियों की जान चली जाती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? इनको चुनाव में जीतने के लिए किसी की जान चली जाए उसका परवाह नहीं है। ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन इनको पता है कि हम चुनाव हार रहे हैं, लेकिन हम अपने संघर्ष के रास्ते पर चलते रहेंगे, हम डरेंगे नहीं। आप देख लीजिए कोतवाली में कोई नहीं है, हम साथियों सहित पिछले 1 घंटे से अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। कुल मिला के कितने लोग थे वहाँ पर? सैकड़ों लोग थे। मारने वाले? मारने वाले में बताया ना कि रजनीश पाठक हो गए, उन पुष्पराज सिंह हो गए, शुभम जायसवाल हो गए, 1-2 और जिनका नाम मैं जानता हूँ लिखाया हूँ, और उनके साथ सैकड़ों लोग दौड़ते हुए आए हैं। और पीछे जिस गाड़ी से सवार थे गाड़ी क्रमांक बता दीजिए। आप देखिए कि जिस तरह से, मतलब आप मेरे पूरा कांच पूरे ऊपर पड़ा है, पूरा कांच पूरी तरह से जो है, तो वो तो गनीमत है कि पुलिस आ गई। गाड़ी आ गई, गाड़ी दिखवा दीजिए। गाड़ी भी ये आ गई, ये सामने गाड़ी खड़ी है। गाड़ी, एक मिनट आप देखिए, ये यहाँ पे गाड़ी खड़ी है।
ओके पीछे, ओके पीछे है, आगे पीछे वाली। यहाँ पर पुराना उद्योग पर बता रहे हैं ये हमारे ऊपर डायरेक्ट हमला किए, जैसे जैसे हमला होता गया फोन किया पुलिस को, देख भाग गए तो आज मेरी जान चली जाती। ये कहा तो क्या इनका चुनाव जीतना इनका इतना जरूरी है, किसी से किसी की जान की परवाह नहीं है। 100 लोग हमारे ऊपर हमला किए, यदि कोई ऐसी वारदात हो जाती कि वो डंडा मेरे ऊपर लग जाता, वो पत्थर मेरे ऊपर हो जाता, तो आज मेरी जान चली जाती। इनको हमारी जान का परवाह नहीं है, इनको चुनाव जीतने का परवाह है। तो मैं सीधी विधानसभा के समस्त जनता जनार्दन से अपील कर रहा हूं कि ये इनका सीधी सांसद का सीधी विधानसभा से जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, इनके कृत्य को आप देखें और इनको इनको इनके कृत्य को देख के आगे का निर्णय आप लें। आज मैं कोतवाली में लगातार बैठा हूँ 1 घंटे से, कोई रिपोर्ट लिखने वाला नहीं है।